अरे 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 अरे, ये आज मेरे साथ क्या हो गया है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पूरे गैस के ओटे पे लाल चीटियाँ हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चे लोगों ने सुबह सुबह यहाँ कुछ गिरा दिया था, उस कारण यहाँ पे चीटियाँ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने चीटियों का चौक लगा दिया था फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए थे। ये आलू थोड़े बड़े आकार के हैं, तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है फ्रेंड्स। अब आलू को मैं काट लेती हूँ। तो आपको मैं बता रही हूँ कि मैं आलू कैसे काटती हूँ फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू को कट कर देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो फ्रेंड्स, तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया है फ्रेंड्स। इसी तरह मैं सारे आलू को कट कर लूँगी और इन्हें तुरंत ही मैं पानी में डाल दूँगी, क्योंकि आलू काले ना पड़े। तो ये मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में बना रही थी फ्रेंड्स। इसी तरह मैंने सारे आलू को कट कर लूँगी और पानी में डाल दूँगी। अच्छी तरह आलूओं को दो पानी से मैं अब धो लूँगी फ्रेंड्स। आप आलू की साइज देख सकते हो कि मैंने कैसे लंबे लंबे काटे हैं। एक उंगली से भी बड़े आलू है। आप ऐसे ही बड़े आलू लीजिएगा तो आपके फ्रेंच फ्राइज अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को दो पानी से धो लिया है और यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने नमक डाला है फ्रेंड्स, और सारे फ्रेंच फ्राइज को मैं इस गर्म पानी में डाल दूंगी और इसे 4-5 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी। तो मैंने आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक कर 4-5 मिनट तक ऐसे ही रख दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चीटियों का चौक लगाया है, क्योंकि पूरे गैस के ओटे पे यहाँ लाल लाल चीटियाँ हो गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 5 मिनट मेरे हो गए हैं। मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ पानी में से। ज़्यादा देर आलूओं को पानी में मत रहने दीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपके आलू जो है वो नरम पड़ जाएंगे। आलू को अब मैं छान लेती हूँ और इसे मैं ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख दूंगी फ्रेंड्स। तो सारे आलू मेरे ठंडे हो गए थे, तो वहाँ पे मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। तो यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में मैंने इसे तेज आँच में सेका हुआ है और इसे मैं निकाल लूँगी। अब आपको तेज आँच में ही सेकना है, क्योंकि इसे 2 बार फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेज आंच पे 1 बार फ्राई कर लिया है, इसे मैं अब मैं निकाल दूंगी फ्रेंड्स। इसी तरह मैं और तल के निकाल लूंगी। और यहाँ आधे बचे हुए पे मैं नमक डाल रही हूँ, मिर्च पाउडर और चावल का आटा, क्योंकि ये मैं मसाले वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे भी मैं तलने के लिए छोड़ दूंगी। इसे भी मैं तेज आंच पे 1 बार फ्राई करके निकाल लूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे बिना मसाले वाले नमक वाले हैं और यहाँ पे मसाले वाले हैं, यानी मिर्च पाउडर वाले। तो यहाँ पे मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। और ये नमक वाले मेरे ठंडे हो गए थे, इसे मैं अब मैं फ्राई कर लूंगी 2री बार। तो यहाँ तेल गर्म था और अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पूरे फ्रेंच फ्राई अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए थे फ्रेंड्स। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह मैं ये मसाले वाले भी फ्राई करके निकाल लूँगी। इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मेरे फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स।